यहाँ इस मंच पर उम्र तो 82 साल से ऊपर हो गई, लेकिन सच मानो मैंने ऐसे नेता नहीं देखे। सतपाल जी, जो आपने उनको सम्मान दिया, प्यार दिया, जोरदार अभिनंदन करो आपके पूर्व मंत्री, पूर्व जनप्रतिनिधि सम्माननीय सतपाल जी। इस कार्यक्रम में अभी अभी भाषण देकर के जिनने अपनी बात कही है, आपके अपने सांसद धर्मवीर जी के लिए, चौधरी धर्मवीर जी के लिए अभिनंदन करें। और बहन हमारी आजकल तो सीधे जबरदस्त, हमारी नेत्री बहन के लिए जोरदार अभिनंदन, जिला अध्यक्ष श्रीमती किरण बहन के लिए, किरण कलकल जी, डॉक्टर किरण कलकल जी, जोरदार अभिनंदन करो किरण बहन के लिए। और आपके अब प्रत्याशी बने, थोड़े दिन पहले आपने सर्विस छोड़ी, कोई वैसे सर्विस नहीं छोड़ता, लेकिन आज आपने धारा से हट करके, मैंने आपसे पूछा सुनील जी आपने इसके पहले क्या काम कर रहे थे, आपने कहा मैं जेलर था, तो जेलर के बाद आपने सेवा का मार्ग अपनाया, बच्चे क्या करते, उन्होंने कहा दोनों सेना में है, तो जो आपने खुद के इस अच्छे खासे सर्विस व का काम छोड़ करके आपके भरोसे से, जेलर की बहुत बड़ी नौकरी होती है, लेकिन जब सच्चे अर्थों में गली गली गांव गांव घूम करके आपका आशीर्वाद लेने के लिए पधारे सुनील सांगवान जी का जोरदार अभिनंदन करें। इस विधानसभा के प्रभारी राजेंद्र वर्मा जी जहां बैठे हैं, राजेंद्र भाई कौन है, जोरदार राजेंद्र जी का अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजाएं राजेंद्र शर्मा जी। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। सत्तन जी कह रहे थे कि मैंने आज तक में आपका अंजना ओम कश्यप के साथ इंटरव्यू देखा, आपने कहा मेरा शीर्षासन भी देखा, तो मैंने कहा तलवारें नहीं देखी क्या, तलवारें भी चलाई थी, यादव बच्चा तलवार नहीं चलाएगा तो क्या चलाएगा। हमारे बीच रामकिशन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन रामकिशन शर्मा जी का भी। डॉक्टर बलवान सिंह जी, आपका भी अभिनंदन वंदन डॉक्टर बलवान सिंह जी। विधानसभा प्रवासी क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, जरा माइक वाले आवाज चालू करो भाई। मैं इतनी दूर से आया हूँ, बाबा महाकाल की नगरी से आया हूँ, गोपाल कृष्ण की शिक्षा स्थली से आया हूँ, तो आवाज तो आना चाहिए ना, अब आ रही है, बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। आपने बिना ये सही बात कम्युनिकेशन कर दी, अच्छी बात है। मैं इस अवसर पर मौजूद हमारी जिला पार्षद लक्ष्मी देवी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। कहा जिला पार्षद जी, नीचे है। और श्री आशीष जी, सरपंच आशीष जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सरपंच के माध्यम से आप तक का सबका अभिनंदन कर दिया, सब अपने पूरे मंच के लिए, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे यहाँ के बाद दो सभा और लेकर के मध्य प्रदेश की धरती पे जाना है। मैं आया तो मुझे इतना आनंद आया, सच मानो इस दादरी विधानसभा के गांव का नाम मैंने पूछा तो इनने कहा मिश्री, तो मैंने माखन मिश्री का आनंद तो यही मिलेगा और कहीं मिल नहीं सकता, इतना सुंदर संयोग है। हमारे आराध्य 5000 साल पहले जिनके भोग में, जिनको भोजन में एक बार बाकी कुछ मिले ना मिले, लेकिन माखन मिश्री मिल जाए, इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता। और सुनील जी आप भी चिंता मत करना, मैं बाबा महाकाल की नगरी भी उज्जैन, लेकिन उससे बड़ा एक और काम है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी उज्जैन है, मुझे इस बात का आनंद है। और उज्जैन की वो धरती है जहां भगवान ने अपने विश्वविद्याध्ययन काल में कंस को मारने के बाद शिक्षा का क्या महत्व होता है, वो शिक्षा के महत्व को स्थापित करने के लिए कोई और दुनिया में कोई व्यक्ति होता तो किसी राजा को मारने के बाद वो कुर्सी पे बैठता, लेकिन हमारे उस समय के यादव बंधुओं को धन्यवाद, जब 11 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन शिक्षा का महत्व बताते हुए उनको उज्जैन शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा, ये हमारा उस समय का जागृत समाज का उदाहरण है। और मुझे और आनंद आया,
एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में भगवान कृष्ण से दुनिया ने अपना परिचय पाया जिनने अपने जीते जी 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, चारों वेद सब कुछ अपने जीवन में धारण करके अध्ययन करके जीते जी जो अपने एक विद्यार्थी से जगत गुरु के रूप में उपाधि पाई ऐसे गोपाल कृष्ण हमारे लिए वो आनंद भी है। और उसका आनंद डबल तब हो जाता है जो उनने वहां शिक्षा में पाया वो आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऐसा का ऐसा ही महाभारत के युद्ध में गीता सबके सामने दे करके दुनिया के अंदर एक विद्यार्थी को जो अपने शिक्षा अध्ययन काल में जो ज्ञान मिलता है पुस्तक के रूप में आज भी दुनिया में कर्मवाद की शिक्षा प्राप्त करने का गीता से बढ़ के कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। हमें इस बात का आनंद है, इस बात के लिए हमारी संस्कृति धन्य है। और ये हमारा अपना आनंद तब और बढ़ जाता है जिस पार्टी के हम आते हैं उस पार्टी के नेता का नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए आनंद की बात, नरेंद्र मोदी जी जो अपने विराट व्यक्तित्व के साथ प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने का उनका तरीका कैसा है ये हमारा आनंद बढ़ाता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके अपने परिवार में कठिनाइयां थी लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब परिवार के व्यक्ति को उठा करके गुजरात जैसे प्रांत में 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाती है यह हमारा सौभाग्य है। और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र में दुनिया में भारत का स्थान कितना बड़ा है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाती है यह हमारी अपनी पार्टी है और यह देश की जनता है। जोरदार अभिनंदन अपने आप का करके बताइए, यह लोकतंत्र की सच्ची सबसे बड़ी घटना और उदाहरण है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब काम करते हैं और एक एक काम उनका, एक एक काम करने का तरीका हमारे लिए भारत की कीर्ति, प्रसिद्धि, इस आनंद को बढ़ाने वाला है। कोई और प्रधानमंत्री थे पहले कांग्रेस वाले तो वो क्या करते थे, कोई अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए, कोई कहीं से भी आए, उसको कहा जाए कि भारत में ले जाके दिखाना है तो वो कहां ले जाते थे, वो ले जाते ताजमहल दिखाने, कोई और जगह दिखाने। अरे ये नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे मंदिरों के दर्शन कराते, ये हमारा वर्तमान का नेतृत्व है। चिदंबरम के मंदिर जहां जहां हमारी विरासत है और देने में क्या देते हैं, कोई और होते तो पता नहीं क्या टूटे फूटे कोई क्या क्या देते, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। लेकिन दुनिया के अंदर देने के लिए अगर कुछ है तो हमारा तो गौरव और गर्व और बढ़ जाता है। 5000 साल पहले जो मुखारविंद से 18 अध्याय के रूप में गीता, पवित्र गीता जो कर्मवाद की प्रेरणा होती है, दुनिया के जब नेता आते हैं और वो उपहार में उनका सम्मान करने का मौका आता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पवित्र गीता उनको भेंट करते, ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में सबको शिक्षा भी है कि यह 18 अध्याय मनुष्य का जन्म नियत है, जो जन्मा है वो मरेगा लेकिन आने और जाने के क्रम में अगर परमात्मा ने पृथ्वी लोक पे भेजा है तो भेजने के बाद आपके हाथ से सत्कर्म होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको डराए तो डरने वाला नहीं होना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पे जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि धर्म के मार्ग पर, तो इस धर्म के मार्ग पे चलने की किसी ने शिक्षा दी है हमें इस बात की खुशी कि भगवान राम और भगवान कृष्ण उसी नाते से जाने जाते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं बोले भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। जब हम उनकी जयकारा लगाते हैं, जब उनकी बात करते हैं तो हमारे विरोधी लोगों के पेट में मरोड़े चलते हैं, छाती पे सांप लौटता है, ये क्यों भगवान की जयकार कर रहे हो, ये धर्म की बात क्यों कह रहे हो। अरे भाई धर्म की बात भगवान राम ने अच्छा ही सिखाई, सच्चाई सिखाई,
अरे वनवासियों को गले लगाया, गरीब से गरीब आदमी को साथ बिठाया, नाविक जो हमारे केवट महाराज थे उनके हमारे अपने पांव पूजने के लिए आगे बढ़े, हमारे कितने आदर्श है उनके माध्यम से। हम अगर धर्म की बात करते हैं, अगर धर्म की नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? आपके मन में तो श्रद्धा है नहीं। 5000 साल, 500 साल या लाखों साल आपको किसी पे विश्वास नहीं, इसलिए अतीत के देवी देवताओं का नाम लेने में भी आप शर्माते हो। हमारे 500 साल का संघर्ष है भगवान राम का अयोध्या का मंदिर बनने का, और ऐसे भगवान राम का मंदिर अयोध्या का बना, लेकिन आप तो इतने दुर्भाग्यशाली हो, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के सारे नेताओं को निमंत्रण दिया, आइए सब भूल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया, आपने तो बहुत अड़ंगे लगाए थे, कोई बात नहीं भगवान राम आपको माफ करेंगे, आओ जरा भगवान के दर्शन कर लो, उसमें सम्मिलित हो जाओ।